अंडा टोमेटो फ्राई बनाने के लिए एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल गरम कर लीजिए, जिसमें दो या तीन अंडे को हाफ फ्राई करना है। ऑयल बिल्कुल गर्म होते हुए अंडों को ऑयल में छोड़ दी। उसके बाद उसको फ्राई होने तक के लिए वेट करिए। बीच बीच में तवे से चेक करते रहना है कि कहीं ऑमलेट चिपक तो नहीं रहा तवे से। जैसे ही ऑमलेट रेडी हो जाता है उसको एक प्लेट में उतार दीजिए। तवे पे फिर से थोड़ा सा ऑयल गर्म करना है, जिसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर को फ्राई करना है। ऊपर से थोड़ा सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची के साथ टोमेटो को फ्राई करना है। उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए फ्राई करते जाना है और इसको एक पतला सा पेस्ट बना देना है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भी डाल सकते हैं या तो कम टमाटर के साथ हल्दी ग्रेवी भी बना सकते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाले के साथ इस पेस्ट को फ्राई करते हुए जाना है। जैसे ही मसाले तवे पर चिपकने लगे समझ लीजिए कि आपका पेस्ट तैयार है। हम जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इसको मैश करके पूरा बढ़िया पेस्ट बना लिया। बने हुए हाफ फ्राई के ऊपर हमें इसको परोस देना। जब ये पेस्ट ऑमलेट के ऊपर आ जाएगा तो बिल्कुल ये रेडी है। जिसके बाद हम पाव लेंगे, पाव को तवे के ऊपर ऑयल के साथ गर्म कर लेंगे, जिसमें हम हमारा टोमेटो का जो पेस्ट है उसके ब्रेड को कोट कर लेंगे। तो अब ये जो रेसिपी है खाने के लिए तैयार। अगर आप अंडे से रिलेटेड कोई और रेसिपी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट